अच्छा, 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंग्लिश का पेपर बताऊंगा जो कि सुबह आपको 100% यही प्रश्न वो मिलने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहाँ से जितने प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको, सुबह 19 फरवरी की आपको दिन ये नज़र आने वाले हैं, ठीक है भैया। चलिए तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, ये हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो यहाँ से आप तो बढ़िया से, क्योंकि समय कम है, जानदा समझना समझाना ये चीज़ की गई अब है ना समय, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके बाद में ये आपका चौथा पांचवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर दो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ठीक है। नोट्स बनाना है और सब टाइटल बताना है इसको, है ना। ये हो गया इतना। ई एप्लीकेशन, यू आर रचना शर्मा, क्या नाम है आपका? रचना शर्मा है, हायर सेकेंडरी स्कूल है आपकी, ठीक है, और नीम खेड़ी, ठीक है भैया। तो यहाँ से अपन यदि बात करें तो आपका स्कूल जो है यहाँ पर बुक बैंक की ये भी एप्लीकेशन है, तो यहाँ से देखिए टू द प्रिंसिपल हो गया है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर खड़ी जो लिखा है इस खड़ी को अपने को बड़ी लगाना है, और इसकी जगह पे क्या लिखना है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीम खेड़ी लिखना है ना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल यूसुफपुर बुक बैंक, बाकी तो सारी चीजें यही रहेगी फिर, है ना। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, सर आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, 11th जब आप क्या करोगे, आप 10th करोगे, ऑफ योर स्कूल, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, गरीब किसान है, ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फॉर मी, ठीक है, वहां मेरी बुक्स लेने में या खरीदने में असमर्थ है, काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है, बुक्स देने की कृपा करें, थैंक यू, यूअर्स ओबिडेंटली मधु जैन, और मधु जैन की जगह हटा के आपको रचना शर्मा लिखना है, कर सकते हो स्क्रीनशॉट लो ना, कितनी देर लगाओगे। ये हो गया, राइट ए लेटर टू यूअर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू यूअर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू समर वेकेशन, देखो भैया समर वेकेशन वाला है ये, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर वाला है ये, ठीक है। यहां से आपका ये, आपका यहां से ये करना है ना, कर पाओगे इतना, कर लेना है ना भैया। चलिए इसके बाद में यहां पर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव, और क्वेश्चन नंबर जो सेवन है इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, बढ़िया तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेवन रहेगा, व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, देखिए वे जब वे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन पहले से ही जा चुकी थी, रवि इज और रवि इज ए आएगा, क्या आएगा तो इज आएगा के बाद में जाएगा ए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये यहां पर एकदम राइट रहेगा। आई ओपन, मैं अक्सर गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूं, ठीक है। विच यानी जो कि इज ए, ठीक है, कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। डू यू यूजली गो आउट उसका जाएगा ऑन, विल यू बाय क्या तुम खरीदोगे, और सम एप्पल्स, तो यहां पर इसका जाएगा सम एप्पल्स आ जाएगा, और आई एम पुटिंग ऑन वेट, ठीक है, और यू नीड टू की सुड आ जाएगा, तो यहां पर सुड चाहिए, ठीक है, डाइट, तुम्हारा वेट बढ़ता जा रहा है, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, तो क्या करना पड़ा, डाइट करना पड़ा, और क्या करना पड़ा, ठीक है। तो यहां से देखिए डू इज डायरेक्टेड है, रश्मि डज हर वर्क डेली, तो इसका बन जाएगा रश्मि डज नॉट डू, यहां पर डज के बाद में आपका घुस जाएगा नॉट डू, क्या जाएगा, रश्मि डज नॉट
डू वर्क हर वर्क डेली। समीर शट द डोर, तो देखिए मेक इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का जाएगा डिड, डिड समीर, और शट की तो शट ही रहेगी फर्स्ट फॉर्म भी, और द डोर, ये सॉरी नांग महाराज लगाना मत भूलना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज द होनेस्टी पॉलिसी बेस्ट, तो होनेस्टी ये पहले नंबर आएगा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक हो गया इतना भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया और अगला देखते हैं। यहाँ पर हिंदी इज टाट बाय मिस्टर सिन्हा, एक्टिव वॉइस बनाना, ये पेसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस बनाना है अपने को बाबू। ठीक है, तो मिस्टर सिन्हा यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसको भी, मिस्टर सिन्हा टीच, टी ए सी एच ई एस, टीचर्स बोल दो भाई भी, टीचर्स हिंदी, हिंदी पढ़ाते हैं। सानिया सेड आई एम मेकिंग टी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है भैया, तो यहां पर जाएगा सानिया सेड, ये आपका जो पांचवा वाला है ना, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, सेड एस ए आई डी सेड डेट की सी वाज मेकिंग टी, द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स। तो देखो वेन के साथ यूज करना, तो वेन विल द ट्रेन अराइव, और ये नांग महाराज की है ना, क्वेश्चन मार्क में भूल जाना भाई, ये थोड़ा छोटा कर लो ना, स्क्रीनशॉट लो ना। ठीक है, ये आपका यहां से बात करेंगे अपन, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो यहां से देखिएगा, इसका पहले का आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे की यदि अपन बात करें तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन राइट रहने वाला है ना, और तीसरा है इसका जाएगा कॉपी, चौथे के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको ध्यान से देखेंगे अपन, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें क्या है आपका देख लो, थोड़ा मैंने पहले भर लेता हूँ सही, तो ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें भी यहाँ आपसे देख लीजिए भर दिया है, इस पहले का इसमें सी आ जाएगा, दूसरे में भी सी आंसर रहेगा है ना, पढ़िएगा थोड़ा सा। यहाँ से अपना जो तीसरा है इसमें भी आपका बी रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में ये जो बी इसकी रहेगा, इसमें 3 क्वेश्चन है तो इसमें से सी ए और बी रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है इससे आप ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये यहां से क्वेश्चन आंसर है, सेट ए का भी मैंने आप इसी तरह से पीडीएफ दे दी है, नहीं देखा तो देखना है, ये सेट भी हो गया, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका यहां से हो गया। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, आराम से शांति से लो, पता चले ये हिंदी नहीं है साहब की, आधे अक्षर काटे ने आधे स्क्रीन शॉट लिए ने, ये लड़ते फिरो फिर रात भर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, शांति से लो इसको स्क्रीनशॉट, शांति। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये यहां से मेरे बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इतना, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहां से। ठीक है, अभी मतलब ये सब 11 के हैं 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से आपको एनी 6 करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का ये पहला है हो गया, क्वेश्चन नंबर
टू हो जाएगा इसका, ट्वेल्व का ये आपका जी आ जाएगा इसका दूसरे का, है ना। इसके बाद में ये गलत हो गया था यहाँ से बच्चे के द्वारा, तो ये अपन ऊपर वाला कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसका स्क्रीन शॉट लो बढ़िया से। और क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो, ये हो गया इतना, ये इसका दूसरा, यहां से तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो ध्यान से आप, ये इसका और वाला क्वेश्चन है, अनाथ हुआ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, हो गया यहां से इतना हो गया ये, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है ना, कर लो तो छोटा फीचर आप क्या करते फिर ना लो। हाँ।